यार भाई किस लिए आया हुआ ट्रक? सर ये जो माल है ना, ये मतलब कि ब्लॉक है, ये पश्चिम भाई का ना, ये शिफ्ट हो रहा है और सारा। अच्छा, तो अभी आपको दिखाएंगे भी सही कि ये शिफ्टिंग इनकी कैसे होती है। वसीम भाई आपके मतलब कुलीग हैं सर? कुलीग हैं आपके और बिजनेस पार्टनर हैं हमारे, अच्छे भाई हैं। सही हो गया। और हमारे रहनुमा भी हैं और काबिल एहतराम भी हमारे लिए। सही, वो अभी आ रहे हैं? वो आ रहे हैं सर, इंशाल्लाह फिर आपसे भी उनको इंट्रो करवाते हैं। सही हो गया जी। अब ये इनकी ना असद भाई लाइट करेंगे ऑफ। सही, पूरे शेड के। सही हो गया। ताकि ये ना इजीली मतलब कि इनको शिफ्ट कर सके, इजीली पकड़ा जा सके, इजीली पकड़ा जा सके, वरना आप ऐसे लाइट में इनको नहीं पकड़ सकते। सही हो गया। इसीलिए अब आप देखेंगे कि इन पूरे शेड की लाइट्स होंगी ऑफ। सही, वो भी आपको दिखाएंगे। ये सर ये उनकी लाइट्स होंगी बंद। देखें आपने लाइट सिर्फ आपकी ऑन है। सही, तो ये डिस्टर्ब हो रही है मतलब रोशनी। ये लाइट्स बंद करने का मतलब ये है कि मतलब कि ये एक जगह पे बैठ जाएंगे, एक जगह पे आगे बैठ जाएंगे, मतलब कि तंग नहीं करेंगे। सही, मतलब कि हाथ में इजीली पकड़ा जा सकता है। सही, सही हो गया। फिर इनको इस ट्रक में शिफ्ट करेंगे। अभी जी ये आद भाई के जो कलीग हैं वसीम भाई, उनका ये ट्रक आया हुआ है और इसी ट्रक पे उन्होंने ये जो सारी मुर्गियाँ थी ये उन्होंने लोड करनी है और इसको और फार्म पर लेके जाना है, और जगह पर लेके जाना है। ये जो सारा फार्म है ये आपने, आपको मैंने अभी दिखाया है अंदर भी, ये जो है ये अभी वो जो मैंने आपको बताया ना कि एक साल से छोटी हैं जो मुर्गियाँ, सात महीने की जो मुर्गियाँ ना, उनको ही लेके जा रहे हैं। और जो वहाँ पे हैं साल से अबव जो है उनकी, वो आद भाई की हैं और वो यहीं पे ठहरी हैं अभी। ये जी हमारे हाथ में एक मुर्गी आ गई है। ये आपकी हो गई? ये मेरी हो गई। ये जी मुर्गी आ गई हमारे हाथ और ये हम घर लेके जाएंगे। चलो भी मेरे साथ घर, घर लेके जाएं यार हम इसे। हाँ सर, ये आपकी है। आज भाई पक्की बात है? पक्की बात है। चलो जी इसे हम घर लेके जाएंगे आज, लेकिन अभी के लिए इनको दे देते हैं, ये शायद घर पहुँचा दे मेरे। आओ भैया जी, छोड़ दो इसको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वसीम भाई क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं आद भाई का यहाँ पे पोल्ट्री फार्म भी चेक कर रहा था तो बड़ा ही मुझे अच्छा लगा, और आद भाई ने बताया कि आप इनके बहुत अच्छे मतलब दोस्त भी हैं और इनको जो आपने ये काम लगवा के दिया है और आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है इसके अंदर, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या इसके अंदर आप मोटिवेट कोई करना चाहें? अगर ये हमारी यंग यूथ है जो आजकल पढ़ाई भी कर रही है, लेकिन उसके साथ आप क्या कहेंगे कि ये बिजनेस करना सही रहेगा? बहुत शुक्रिया आपका। वैसे मुझे एक अर्सा हो गया काम करते हुए, मुझे 20 साल हो गए हैं सर माशाल्लाह पोल्ट्री के काम करते हुए। मैंने एक जूनियर सीट से शुरू किया था, मैं इस वक्त मार्केटिंग मैनेजर हूँ, हेड कर रहा हूँ एक कंपनी का ना, सेल डिपार्टमेंट से ताल्लुक है माशाल्लाह जी। तो नई जनरेशन के लिए होना चाहिए ये बिज़नेस। पाकिस्तान पोल्ट्री का जो बिज़नेस है, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सनत है, पहली सनत आ जाती है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल पिछले दिनों बहुत क्राइसिस में रही, पोल्ट्री भी क्राइसिस में रही है, वो तो एज इट इज पूरा पाकिस्तान ही रहा है। लेकिन ये पोल्ट्री ये ऐसी है कि इसमें आपको प्रॉफिट परसेंटेज एज कम्पेयर टू किसी और बिजनेस के इसमें बहुत ज़्यादा है। सही हो, ठीक है रेवेन्यू लगता है, लेकिन अगेंस्ट जो प्रॉफिट परसेंटेज आती है जब आप कैलकुलेशन करते हैं, तो पोल्ट्री एक वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी प्रॉफिट परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। सही। असल में कोई भी काम होता है उसकी अर्निंग होती है, जिस काम में अर्निंग ज़्यादा हो तो उसमें इंसान की मोटिवेशन भी बड़ी स्ट्रगल वाली हो जाती है और कामयाबी की तरफ भी वो कन्वर्ट ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल, बेसिकली ये होता है मुनाफा, मुनाफा किसी काम में भी ज़्यादा मिल रहा हो तो आजकल की जो नई जनरेशन है वो जिस काम में प्रॉफिट हो, जिस काम में सुकून हो, उस काम में उसको तरफ जल्दी जाती है। मेरे ख्याल में आना चाहिए नई जनरेशन को। और अब पहले इतने पोल्ट्री में डॉक्टर या पोल्ट्री सेक्टर में नहीं आ रहे थे, अब पाकिस्तान में हर साल तकरीबन ऑलमोस्ट 18,000 डॉक्टर जो हैं वो तमाम यूनिवर्सिटियाँ प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है, और इस प्रोजेक्ट में पहले तो लोग इतने टेक्निकल लोग नहीं आ रहे थे, अब बहुत सारे टेक्निकल लोग आ रहे हैं, नई जनरेशन ही सारी आ रही है। और सर आप आद भाई के इस फॉर्म के बारे में, आद भाई की मेहनत के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आहद भाई ने कोशिश की है, पहले फ्लाग डाला था इनको, लेकिन ड्यू टू
सम डिजीजेज ये बेचारे क्राइसिस में आ गए, लेकिन अल्लाह ने इनका फिर हाथ पकड़ लिया, अल्लाह ने इन पर फिर रहमत की, इनको पली पलाई मुर्गी बहुत अच्छी दे दी। और मैं ये देख रहा हूँ ये बर्ड मैंने ही इनको सेल करवाया था, हमारे पास था तो डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस चल रहा था, जब से इनके पास आया ना जी तो इनकी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरा नहीं ख्याल कोई बर्ड इनका इतना गया हो ना जी। हालांकि पुरानी मुर्गी थी और प्रोडक्शन परसेंटेज भी बड़ी टिक के दे रही है, चल रही है जी, माशाल्लाह। कोशिश कर रहे हैं अब्दुल अहद, इसका इंटरेस्ट जाग गया क्योंकि कैश रेवेन्यू आ रहा है ना जी, कोई नई जनरेशन आपने मोटिवेशन की थी, मोटिवेशन दिया, नई जनरेशन जो है ना जी वो जब उसके पास कैश रेवेन्यू आ रहा हो या आउटपुट उसको मिल रहा हो, किसी भी स्ट्रगल का आउटपुट मिल रहा हो ना, तो उसके अंदर उनकी वर्थ बढ़ जाती है। इस तरह अब्दुल अहद की वर्थ की इंटरेस्ट बढ़ा हुआ, ये देख लें कि रात को अभी भी बैठा हुआ पाया। थैंक यू सर, आपने हमसे बात की सर, मुझे खुशी हुई हमसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू सो मच सर, वेलकम। क्या ख्याल है अब्दुल अहद, सारे 50-50 करेंगे ठीक है ना? यार भी माशाल्लाह जी मेहनत का काम है और जी, और वसीम भाई मैं हैरान हो रहा हूँ कि वो खुद ही ये उठा उठा के खुद ही डाल रहे हैं अंदर, कितनी शदीद गर्मी है उसके बावजूद भी वसीम भाई खुद काम कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कितना ऑलरेडी उनके साथ मुलाजिम है उसके बावजूद वो खुद कर रहे हैं। ये बात है, ये कामयाबी का ना खुद रहा, यही होता है, आपने खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही मेहनत करनी है, अगर आप दूसरों से मेहनत करवाओगे तो दूसरों पे आप जब इंतजार होंगे ना कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते, जब आप खुद करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस फील्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये भतीजा मेरा बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा है जी, जी सर। ये बीएस पोल्ट्री साइंस कर रहा है, सही। ये भाई क्या कर रहा है? वो जो दूसरे इनके साथ आए हुए इनके भाई वो बीएस आईटी कर रहे हैं, माशाल्लाह। जैसे एनएफसी आईएसपी और सर माशाल्लाह आपने सबको काम पे लगाया हुआ है। पता क्या हो गया यार, हमारी नौजवान नस्ल के साथ एक ड्रॉबैक हो गया है, वो ना इजी मांगती है। एक्चुअल मैं आपको एक बताऊं बात, जो रिस्पांसिबिलिटी होती है ना जब घर वाले पेरेंट्स देते हैं ना जी, वही बच्चे आगे जाके भी मेहनती होते हैं, सही। अब होता है कि हमारे यहाँ ड्रॉबैक आ रहा है, पेरेंट्स बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई शक नहीं बेटा जोर से नहीं बताओ, लेकिन एक्चुअल में जब वो उनको उनसे केनन्स है ना, केनन्स बहुत बड़ी कंपनी है, बिल्कुल सर। उसका इकलौता बेटा है उनका ना जी, खलील सत्तार साहब का ना, उन्होंने उनसे गटर भी साफ करवाए हैं, उनसे अंडे जो गंदे अंडे होते हैं सफाई कराने सीते हैं, मतलब खुदा निकलता है ना उसमें से, बाकी जो बच जाता है फिर अंडे हम उसको ट्रेयों को धोते हैं, वो दिलवाई हैं उनसे। आज वो खलील सबसे बड़ी कंपनी है इकलौता, और वो उन्होंने संभाला भी काम। सही सर जी, आज हमने आद भाई का पोल्ट्री फार्म विजिट किया, वसीम भाई से हमने उनके जो लाइफ का जो उनका करियर का जो एक्सपीरियंस था हमने वो उनसे लिया, और जो उन्होंने यंग जनरेशन के लिए कुछ मोटिवेटिव लाइन कही आपने वो सुनी। आपको ये ब्लॉग हमारा कैसा लगा? अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जगा करें। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।